नमस्कार, मैं कुमार संतोष संस्कृत साहित्य क्लास में आप सभी स्थायी छात्राओं का हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय छात्राओं, जैसा कि आपको विदित है कि आपका अजंत प्रकरण का शुभारंभ हो चुका है। इसके अंतर्गत आप कुछ सूत्रों के बारे में हम और आप चर्चा कर चुके हैं। रामे की सिद्धि भी हमने आपको करा दी है। इसके उपरांत आज पुनः फिर हाजिर है हम आपके समक्ष कुछ नवीन सूत्रों को लेकर। आशा करता हूँ कि इन सूत्रों की परिचर्चा के बाद आप अपने अध्ययन को एक नवीन गति और दिशा प्रदान करने में समर्थ होंगे। वीडियो का शुभारंभ करने से पूर्व मेरा कर्तव्य निवेदन आपसे यही है, हो सके जितना आप हमारे यूट्यूब चैनल कुमार संतोष शर्मा को सब्सक्राइब करें और करवाने का श्रम करें। तो करते हैं आज की शुरुआत, कुछ प्रमुख सूत्रों की चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहला जो सूत्र है आपका अजंत प्रकरण का, वो है प्रथमयो पुरुष वर्णय। प्रथमयो पुरुष वर्णय सूत्र, प्रथमयो पुरुष वर्णय सूत्र क्या कहता है कि अक प्रत्याहार के उपरांत यदि प्रथमा या द्वितीय विभक्ति से संबंधित ऐसे कोई प्रत्यय जिनका प्रारंभ किससे होता है, अच से होता है, यानी प्रथमा और द्वितीय के स्वर आदि प्रत्यय हो तो पूर्व और पर वर्णों को क्या होता है, दीर्घ एकादेश होता है। अब आप अक प्रकार में कौन कौन से बनाते हैं, ए, ई, उ, री और रे। इनके उपरांत स्वर आदि प्रत्यय हो, इनके उपरांत क्या हो, स्वर आदि प्रत्यय हो तो पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर क्या होगा, दीर्घ एकादेश होगा। जैसे प्रथमा विभक्ति बहुवचन में राम रूप बनता है तो राम प्लस अस, क्योंकि दस का अस शेष रह रहा है तो यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, पूर्ण सवर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त होगा, तो राम रूप बनेगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट सूत्र की ओर। नेक्स्ट सूत्र है नामाधिची, इसका अपवाद है, अभी आपने जो सूत्र पढ़ा है इसका अपवाद है नामाधिची। ये सूत्र क्या कहता है, ए वर्ण के उपरांत यदि इस प्रत्याहार का वर्ण हो कोई तो दीर्घ एकादेश नहीं होता। ए वर्ण के उपरांत यदि इस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो दीर्घ एकादेश नहीं होगा। तो ऐसे बाद इस प्रत्याहार में आते ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, और ये इस प्रत्याहार में आते हैं कि इनके ए वर्ण के उपरांत यदि ये वर्ण हो किसी भी प्रत्यय के आदि में तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता है। जैसे प्रथमा विभक्ति द्विवचन में रामो बनता है तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से तो दीर्घ एकादेश प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ना आदि चीज सुख से निषेध करेंगे तो प्रति आदेश होकर के क्या बन जाएगा, राम रूप बन जाएगा। तो ना आदि चीज सूत्र क्या करता है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र का निषेध करता है, इसलिए राम रूप बने। अब है बहुसु बहुवचनम सूत्र है आपका, बहुसु बहुवचनम, बहुसु बहुवचनम सूत्र क्या कहता है, दो से अधिक संज्ञा शब्दों के कथन में बहुवचन संज्ञक प्रत्यय होते हैं, यानी कि द्विगु द्विवचन एक वचन सूत्र तो क्या कहता है, एक वचन संज्ञा अगर कोई है तो उसमें एक वचन के प्रत्यय लगेंगे, द्विवचन का कोई प्रत्यय संबंधित कोई रूप है तो द्विवचन के प्रत्यय लगेंगे। लेकिन बहुसुवचन क्या है, दो से अधिक अगर कोई संज्ञा शब्दों का कथन हो तो वहां पर बहुवचन संज्ञक प्रत्ययों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे रामः बहुवचन में तो अनेक राम होते हैं तो राम प्लस जस प्रत्यय लगाना पड़ेगा आपको बहुवचन संज्ञक। तो बहुवचन संज्ञक जो प्रत्यय हैं, जस है, सस है, भिस है, भ्यस, भ्यस, आम और सुखी, बहुवचन संज्ञक प्रत्यय ये आपको लगाने होंगे, किसमें, बहुवचन की अगर आप सिद्धि करने जा रहे हैं तो। इसके उपरांत होता है आपका सूत्र चोटू, वेरी आसान सूत्र है चोटू। चोटू सूत्र क्या कहता है, किसी भी प्रत्यय के आदि में यदि चयवर्ग और प्रवर्ग हो तो उसकी संज्ञा हो जाती है। प्रत्यय के आदि में अगर प्रारंभ में चयवर्ग या टयवर्ग का कोई भी वर्ण हो तो उसकी क्या होती है, संज्ञा, और जिसकी भी इत्संज्ञा होती है उसका तस्य लोपे सूत्र के माध्यम से क्या है, लोप का विधान है। तो देखेंगे आप यहाँ पर राम प्लस जस था, राम प्लस जस है आपका, तो चयवर्ग का वर्ण आ गया है जय, तो इसलिए यहां पर
क्या करेंगे आप, चूटू सूत्र से जय की संज्ञा करेंगे और तस्वरों पर से लोप कर देंगे तो आपका रूप बन जाएगा क्या, राम पुरुष अश, ये स्थिति आपकी बन जाएगी। क्लियर। प्रत्यय के प्रारंभ में यदि चयवर्ग और टयवर्ग हो तो उसकी संज्ञा होती है, तस्य रूप से क्या कर देते हैं उसका लोप कर देते हैं, तो जिसका ऐसे जय का ऐसे जया तो राम पुरुष अस ये स्थिति बन जाएगी। आगामी सूत्र देखते हैं विभक्तिश्चय, ये सूत्र है क्या करता है, सबसे पहले आपको ये स्मरण रखना है विभक्तिश्चय जो सूत्र है वो कौन सी संज्ञा करता है, विभक्ति संज्ञा करता है और होती किसकी है, सुबंत और तेगंत की, सुबंत तेगंत, सुबंत और तेगंत की क्या होती है विभक्ति संज्ञा, सुबंत के अंतर्गत इक्की सुब आते हैं, तेगंत के अंतर्गत ही अठारह करते हैं, सुबंत में सुबह वाले 18 प्रत्यय आते हैं, दिगंत में तिप तस जी सिप तस ते में वस मस, ये आपके 18 रूप आते हैं किसमें, तिगंत के अंतर्गत। तो सुमंत और तिगंत की क्या होती है, विभक्ति संज्ञा होती है, विभक्ति संज्ञा विधायक सूत्र का नाम है विभक्तिश्चय। आगामी सूत्र है आज के लिए लास्ट सूत्र है आपका, क्या कहता है, नए विभक्तम तुष्मा, नए विभक्तम तुष्मा, ये सूत्र क्या कहता है, विभक्ति में रहने वाले, विभक्ति में रहने वाले अर्थात जिनकी विभक्ति संज्ञा हो चुकी है, ऐसे प्रत्यय के प्रारंभ में यदि क्या हो, तयवर्ग हो, सकार हो, मकार हो, तो उसकी संज्ञा का लोप कर देता है। विभक्ति में रहने वाले तवर्ग सकार और मकार की संज्ञा नहीं होती, अर्थात सुमंत एवं तिगंत प्रत्ययों में यदि तयवर्ग का कोई वर्ण हो, सकार हो या मकार हो, तो उसकी संज्ञा नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे राम प्लस जस, तो विभक्ति सूत्र से जस प्रत्यय की क्या हो चुकी है, विभक्ति संज्ञा, और इसलिए हम अनंतम से संज्ञा का लोप नहीं करते हैं। यहां पर नए विभक्तम तुष्मा सूत्र क्या कह देता है कि विभक्ति में रहने वाले तयवर्ग 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 सकार और चवर्ग की संज्ञा नहीं होती, तो सकार आ रहा है यहां पर, तो इसकी क्या नहीं होगी, इस सूत्र से इत संज्ञा नहीं होगी, किससे, भयंकर सूत्र से संज्ञा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि विभक्तिश्चय सूत्र क्या कर देता है, नए विभक्तिश्चय नए विभक्ति तुष्मा सूत्र क्या कर देता है, इत संज्ञा का निषेध कर देता है। तो ये सूत्र है आपके, तो राम प्लस 80 रहेगा और जस में संज्ञा हो जाएगी, सही को तो सर करना पड़ेगा आपको, सही सरस्वत रूप लगाएंगे, रूपादेश कर देंगे, उपदेश से उकार की संज्ञा दस रूपये से लोप कर देंगे, विराम अवसान रूप से लेकर अवसान संज्ञा करेंगे, खराब सारे विसर्जन से क्या करेंगे, विसर्ग के स्थान आपको विसर्ग के स्थान पर आपको सयादेश करना पड़ेगा। तो ये प्रमुख सूत्र है, नेक्स्ट डे कुछ और नवीन सूत्रों के साथ हम आपसे उन्हें पर चर्चा करेंगे, और इन सूत्रों का स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं भी है, और ये सूत्र आप जो आगामी सिद्धि करने वाले हैं राम और ब्रह्मा इनकी सिद्धियों में ये सूत्र आपको प्रमुख रूप से काम में आने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इन सूत्रों से आप अपने अध्ययन को एक गति और दिशा प्रदान करने में समर्थ होंगे, और किसी प्रकार की हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ ही दिनों की बात है, 18 तारीख के बाद हम शायद आपसे फेस टू फेस चर्चा कर पाएंगे, और इसलिए तब तक अपने घर पर रहकर ही अपने अध्ययन को गति प्रदान करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुमार संतोष आज क्लास में आपसे लेता हूँ विदा। जय श्री कृष्ण।